Hello and welcome. I'm Chef Sanjeev Kapoor and I have Harshit with me. Hi, Harshit. I'm good. How are you? I'm very good. Thank you very much. खाना अच्छा लगता है? किसको नहीं अच्छा लगता, right? लेकिन खाना boring नहीं होना चाहिए ना? Interesting होना चाहिए. Tasty होना चाहिए, interesting होना चाहिए. और मम्मी कहती है कि healthy भी होना चाहिए. है ना? बहुत सारी मम्मियों को भी पसंद आना चाहिए. सबको पसंद आना चाहिए. सबको पसंद आना चाहिए. सामान भी तो होना चाहिए फ्रिज में. Let's see. हर्षित, ये पकड़ो जी. ओके, पास्ता अच्छा लगता है? हाँ, वेरी गुड. चलो तो अब एक काम करते हैं, एक बढ़िया से बनाया जाए सैलेड. शुरू करें. इसको मैं बनाऊंगा न्यूट्रलाइट मेयो, चीजी गार्लिक. चीज अच्छा लगता है? बहुत. कौन है जिसको चीज अच्छा नहीं लगता? तो ये न्यूट्रलाइट मेयो विद विटामिन ए, डी टू एंड ई, मतलब विटामिन्स जो हैं वो तो एकदम चाहिए ना. इसका नाम क्या है? स्प्रिंग ऑनियन. तो इसको जरा सा मैं ऐसे काट लेता हूँ. तो ये हो गया प्याज. तो ये मेरे पास में कैरेट. तो ये चाहिए जो है चेरी, टमेटो. तो इसमें भी दो चार जो हैं काट लेते हैं इसको. और ये एक बड़ी अच्छी सी चीज है. इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं स्वीट पीज. हाँ. ये ऐसे ही खाया जा सकता है. ऐसे ही? हाँ. अच्छा, ये जो स्वीट पीज होते हैं इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल करके ना वो रखा हुआ है हमने, ताकि ये कच्चा नहीं रहे. क्योंकि सैलेड के अंदर तो क्रंची चीजें चाहिए होती हैं. तो वैसे ही खा सकते हैं, जरूरी नहीं है. हाँ, पास्ता जो है वो पका हुआ होना चाहिए. अच्छा, अभी ये जो पास्ता है जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पकने के बाद में ना इसमें स्टार्च होती है तो ऐसे जुड़ जाता है. तो इसको एक्चुअली क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा पानी. कैसे हो गया? अलग अलग हो गया ना. तो ये हमारे पास है, तो इसमें ये भी डाल देते हैं. और फिर ये भी पर सारे नहीं डालते इसमें. थोड़े से टमाटर जो है ना वो पूरे ऐसे डाल देते हैं, थोड़े से कटे हुए डालते हैं. ओके, ये जो पत्ते हैं ना, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे, इसको इस तरह से तोड़ तोड़ के इसके अंदर डालने हैं. काटने की ज़रूरत नहीं है. इसको आप इसके अंदर डालो. सैलड आप बना रहे हो ना. वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा हो गया. तो अब ना ये मेरे पास में न्यूट्रलाइट मेयो चीजी गार्लिक. यस. तो ये नाइस. अब इसको लाइटली मिक्स करना है. एक्सीलेंट. चलो एक बारी चेक कर लें कैसा है. वेरी गुड. अच्छा, इसमें कुछ और डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चीजी स्मेल भी चीजी आ रही है ना. लुकिंग गुड. वेरी नाइस. ऑलिव तो रह गए हमारे, थोड़ा ऑलिव डाल देते हैं. इसको सर्व करने के लिए थोड़ा सा ये प्लेट में लेते हैं. थोड़े लीव्स, थोड़ा डेकोरेशन. और अब ये जो है बेबी कैरेट. बस ऐसे ही टमाटर डाल दो. वेरी गुड. और ये जो हमारे पास है पीज, स्वीट पीज, इसको थोड़ा सा ऐसे डाल दिया. कितने बढ़िया कलर आ गए ना. ये कलर भी तो बड़ा अच्छा है. हाँ, रेडिश तो बोली. रेडिश है ना, नहीं भूले नहीं. तो ये रेडी हो गया तैयार. कोई स्पाइसी नहीं डाले, कोई नमक, मिर्च, नींबू, कुछ भी नहीं. बट क्यों? क्योंकि एक इंग्रेडिएंट हमारे पास क्या था? न्यूट्रलाइट मेयो चीजी गार्लिक. और क्या मजेदार पास्ता सैलेड. लुकिंग गुड, राइट? किसने बनाया ये? आपने. चलो दोनों ने बनाया. ये लो. स्मेल चीजी. यस.
इट्स डिलीशियस, आई लव इट। टेस्टी है और सैलड है तो हेल्दी है, और न्यूट्रलाइट मेयो डाली, चीजी गार्लिक, अब हेल्दी बन गया। टेस्टी।